शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह शदीद मुतासिर, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार, बाबू साबू सगिया पुल, शाहकाम चौक, ठोकर न्याज बेग और रिंग रोड पर शदीद धुंध, शहर के दाखिले और खारजी रास्तों पर वार्डन्स की इजाफी नफरी तायुनात, शहरी गाड़ी की रफ्तार कम, फोग लाइटों का इस्तेमाल करें, सीटीओ की शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत, महकमा मौसमियात ने सिविल एविएशन को धुंध की वार्निंग जारी कर दी। मोटरवे पर हद निगाह 50 से 150 मीटर तक पहुंच गई। M2 लाहौर से कोट मोमिन, फैसलाबाद, गोजरा तक शदीद धुंध की वजह से बंद। कौमी शाहरा पर ठोकर, मांगा मंडी, फूल नगर, जंबर और पत्तोकी के इलाकों में धुंध छा गई। मोटरवे पुलिस की गाड़ियों पर फोग लाइटें इस्तेमाल करने की हिदायत। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धुंध के डेरे, हद निगाह 100 मीटर रह गई। धुंध के बायस इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुजवी तौर पर बंद कर दिया गया। बैरून मुल्क से आने वाली दो परवाजों का रुख भी मोड़ दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हिदायत जारी कर दी। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही सुई गैस रूट गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की किल्लत, आवाम शदीद अजियत का शिकार, खवातीन के लिए खानादारी भी दुश्वार। शहरियों के सब्र का पैमाना जवाब देने लगा। सड़कों पर निकल आए क्लिफ्टन कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस के फैसले की घड़ी आन पहुंची है। तसाब अदालत दोनों रेफरेंस का आज फैसला सुनाएगी। नून लीग के एहतजाज के लिए हिकमत अमली तैयार। लाहौर के अरकान कौमी असम्बली को आज सुबह 9 बजे अदालत पहुंचने की हिदायत। फैसला खिलाफ आने की सूरत में MNAs के एहतजाज की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। एक लैंडमार्क केस का फैसला है, सबकी नजरें एहतसाब अदालत पर हैं। शरीफ बरादरान, जरदारी और साद रफीक सब मासूम हैं, तो 15 साल पाकिस्तान को किसने लूटा। मॉडल टाउन केस मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा तो इंसाफ के निजाम की नाकामी होगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की गार्डन टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं नवाज शरीफ और जरदारी की सियासत अब खत्म हो चुकी। बेहयाई से कहते हैं कि दोनों मिलकर तहरीक चलाएंगे। इनकी तहरीक का नाम ठग्स ऑफ पाकिस्तान है, ये ऑपोजिशन नई ग्रुप ऑफ ब्लैकमेलर्स है। अजब निजाम है, भाई के अकाउंट्स छोटा भाई, बाप के अकाउंट्स बेटा चेक करेगा। नवाज शरीफ ने अरबों की जायदाद कैसे बनाई, पैसे कहां से आए, मनी ट्रेल पेश नहीं कर सके, सजा जरूर होनी चाहिए। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद, सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद के साथ UC84 के चेयरमैन चौधरी मुदस्सिर कंबो के घर आमद। शादी की मुबारकबाद, गुरु मांगट रोड पर UC201 में दफ्तर का इफ्तिताह भी कर दिया। मिड टर्म इलेक्शन इम्कान मुस्तरद, नई मुल्क का कहना है कि जरदारी और नवाज शरीफ के मुकदमात पर अहम फैसले आने वाले हैं। दोनों ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। नवाज शरीफ और जरदारी की जायदादों को जब्त होना चाहिए। 10,000 डेवलपर्स 50 लाख घर बनाएंगे। वजीर आजम के मावरे खसूसी की गुफ्तगू, नई मुल्क और फवाद चौधरी की एजाज चौधरी के रहायशगाह आमद। वालिद के इंतकाल पर ताजियत भी की। अहम हुकूमती और सियासी शख्सियात की एजाज चौधरी के घर आमद का सिलसिला जारी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने एजाज चौधरी की रिहायशगाह पर जाकर वालिद के इंतकाल पर इजहार ताजियत किया। सूबाई वजीर राय तैमूर भट्टी ने भी एजाज चौधरी के साथ फातह पढ़ी। मौजूदा हालात में हराम और करप्शन के दरवाजे खुले हैं। हमारे निजाम ने तालीम में भी तकसीम पैदा कर दी। गरीब के बच्चों को ऐवानों में पहुंचाए बगैर पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब, बोले हम पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत बनाना चाहते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। सिराजुल हक ने इस्लामी जमीयत तुलबा के 72वें यौम तासीस की तकरीब में भी शिरकत की। मियां जावेद की जेल में हलाकत का मामला, महकमा दाखिला की इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आला को मौसूल। जेल के डॉक्टर की गफलत के बायस मियां जावेद की मौत हुई। प्रोफेसर मियां जावेद को जेल में बरवक्त तिबी सहूलियात फराहम नहीं की गई, रिपोर्ट में इंकिशाफ।
आइसक्रीम के शौकीन अफराद खबरदार होशियार, आइसक्रीम फ्रोजन डेजर्ट्स के नमूना मुहिम के नतायज आने पर कार्रवाइयां शुरू। पंजाब फूड अथॉरिटी ने फेल शुदा आइसक्रीम ब्रांड्स को मार्केट से हटवाना शुरू कर दिया। सौ रोजा प्लान में मसाइल की निशानदही की और इनके हल के लिए पॉलिसियां बनाई। वजारत तिजारत मुल्क की तारीख में पहली बार नौकरियां देने जा रही है। मोटरवेज पर तिजारती मराकज भी बनाएंगे। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की गुफ्तगू। इकबाल टाउन जांजे ब्लॉक और पकीटटी में क्रिसमस की तकरीबात में केक भी काटा। क्रिसमस त्यौहार मसीही बरादरी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। हर कोई क्रिसमस ट्री सजाने और सांता क्लोज जैसा रूप बनाने में मगन। फूल, क्रिसमस स्टिकर्स, मोमबत्तियां, घंटियां और दीगर सजावटी सामान खरीदने के लिए मसीही बरादरी की बड़ी तादाद गणपत रोड पर जा पहुंची। मसीही बरादरी के त्यौहार क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। बल्दिया उज़्मा ने 5 क्रिसमस बाजार लगा दिए। 10 किलो आटे का थैला 250 रुपए में फरोख्त। योहानाबाद रेलवे स्टेशन, जल्लो मोड़, बहार कॉलोनी, चाइना स्कीम में क्रिसमस बाजार कायम। कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा बराचा और डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद की क्रिसमस बाजार आमद। क्रिसमस का केक काटा। क्रिसमस पर PHA का बड़ा फैसला। पार्क्स में क्रिसमस ट्री बनाने का फैसला। CTO का मसीही अहलकारों के लिए 3 रोज की छुट्टियां और 5,000 रुपए ईदी का भी ऐलान। क्रिसमस पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 60 गिरजाघरों और 8 पार्क में इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला। शहर में क्रिसमस के मौके पर 530 में से 60 गिरजाघर हसास करार। गिरजाघरों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। DIG ऑपरेशंस। पाकिस्तान में अकलियतों को बराबर हुकूक हासिल हैं। हमारी खुशियां और गम मुश्तरका हैं। मुट्ठी भर इशराफिया करप्शन में जकड़े हुए हैं रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच। मुस्लिम टाउन में मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए क्रिसमस तकरीब भी सजाई। गिफ्ट और राशन समेत बच्चों में ईदी तकसीम की। रायवंड के इलाके अरशद कॉलोनी में नाकिस सीवरेज का निजाम। गंदे नालों का पानी गलियों समेत घरों में दाखिल होने लगा। मेन होल का ढक्कन ना होने के बायस कई अफराद हादसात का शिकार। मकीनों का नाकिस सीवरेज निजाम के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की दुहाइयां। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। भगतपुरा में सीवरेज के नाकिस इंतजाम। सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए अजियत बन गया। गलियों में जमा पानी ने रिहायशियों को घरों में महसूर कर दिया। जगह जगह गटरों का पानी, गंदगी के ढेर, मसाइल के अंबार। अलहाफिज टाउन के रहायशियों का अल्लाह ही हाफिज। मकीनों का एहतजाज। हाथ जोड़कर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नोटिस लेने की अपील। अक्रम पार्क बंद रोड की UC 71 में सीवरेज सिस्टम नाकारा। गंदा पानी मेन बाजार और घरों में दाखिल होने लगा। इलाका मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिरा किया। सुंदर में मराका क्वार्टर्स के करीब डकैती की वारदात। 6 डाकू घर से 5 तोला सोना, 50,000 नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार। पुलिस मुलजिमों का सुराग लगाने में नाकाम हो गई। जबकि क्रीम मार्केट में खवातीन चोरों का गिरोह सरगर्म। दुकान से सामान चोरी कर लिया। लाहौर न्यूज ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली। खींचा तानी जोर आजमाई, ये है नया खेल मैस रेसलिंग। दूसरी कौमी नेशनल मैस रेसलिंग चैंपियनशिप का रंगारंग इनेकाद। पाकिस्तान भर से मर्द खातीन खिलाड़ियों ने जोर आजमाई का मुजाहिरा किया। किर्गिस्तान के सफीर और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद ने खसूसी शिरकत की। लाहौर जिमखाना में 8 रोजा लॉन टेनिस मेला सज गया। चौथा हसन तारिक रहीम मास्टर्स कप टेनिस चैंपियनशिप में एहसाम उल हक और अकील खान ने हरीफ खिलाड़ियों को आउट क्लास करके मैच अपने नाम किया। मिल बैठने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। छुट्टी के रोज पुरलुत्फ बनाने के लिए अलजलील गार्डन की उम्दा काविश। सोसाइटी मेंबरान के लिए फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया। मजे मजे के पकवान, बच्चे बड़े सभी ने खूब लुत्फ उठाया। और पिलाक में 2 रोजा बाबा बुल्ले शाह फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। बाबा बुल्ले शाह के कलाम पर मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद। स्टॉल्स भी सजाए गए। आखिरी रोज लोगों की बड़ी तादाद ने रंगारंग फेस्टिवल में शिरकत की।